सब्सक्राइब कीजिए रेलवे गेमिंग को और साइड में घंटी भी बजाइए लेटेस्ट रेलवे गेमिंग वीडियोस से जुड़े रहने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आप देख रहे हैं रेलवे गेमिंग। तो गाइस, कल मैंने जैसे कि कहा था कि आज मैं अपना ट्रैक साउंड रिलीज़ करूँगा, तो गाइस मैंने रिलीज़ कर दिया है और आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप में से किसी को ये जानना है कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं उसके पहले ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने खुद के रिकॉर्ड किए हुए ट्रैक साउंड्स एमएसटीएस में डाल के इन्जॉय कर सकते हैं। मतलब अपने मोबाइल से ट्रैक साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं और उसको आप एमएसटीएस में डाल के इन्जॉय करोगे, तो वो कैसे करेंगे, तो वो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं लास्ट में आपको यही बताऊँगा कि उसको आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो बिना टाइम फॉर लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो करना है वो है कि एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वो है गोल्ड वेव। उसका भी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो साउंड रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल में, जो ट्रैक साउंड्स मान लीजिए आपने रिकॉर्ड किया है अपने मोबाइल में, उसको आप अपने कंप्यूटर में लेके आ जाइए। तो ये जो साउंड आपको दिख रहा है, ये माई रिकॉर्डेड साउंड जो लिखा हुआ है, ये मैंने रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल में और इसको मैं अपने कंप्यूटर में लेके आ चुका हूँ। और अभी क्या करना है, अभी गोल्ड वेव को ओपन कर लीजिए। मेरा गोल्ड वेव यहाँ पे है, आपका गोल्ड वेव आपने जहाँ पे सेव किया है आप वहाँ से उसका ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सेव किया था तो मैं इसको यहीं से ओपन करूँगा। तो गाइस, अब गोल्ड वेव ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो साउंड आपने रिकॉर्ड किया था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है गोल्ड वेव के ऊपर। सिंपली बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए और हमारा साउंड यहाँ पे लोड हो चुका है गोल्ड वेव पे। और अभी आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है गाइस, आप जितना इसको हार्ड समझ रहे हो ये उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम चुटकी बजा के आपका साउंड एक प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब इतना आसान है ये चीज। तो अभी क्या करना है, ये देखिए ये मेरा साउंड है, प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जो साउंड है ये मैंने 110 स्पीड में रिकॉर्ड किया था और ये साउंड को अभी हम लोग MSTS के फॉर्मेट में करेंगे। और MSTS का फॉर्मेट क्या है, वेव फॉर्मेट। तो इसको जस्ट अभी सेव करना है, सेव करने से ही काम खत्म। तो सेव करने के लिए क्या करना होगा, ये पहले आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने साउंड को यहाँ पे लेके आने के बाद इसको सेव करने के लिए पहले फाइल में जाइए, उसके बाद सेव एज का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए ये सेव एज, यहाँ से इसको सेव एज करके इसका एक नेम दे दीजिए, आपका जो मन हो उसका वैसा एक नेम दे दीजिए, मैं वही नेम रखूँगा, बस यहाँ पे लिख दूँगा साइड में मॉडिफाइड। मॉडिफाइड लिख देने के बाद अब इसको हम लोग डेस्कटॉप में सेव करेंगे। ये यहाँ दिख रहा है आपको सेव एज टाइप, ये जो सेव एज टाइप लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे MP3 लिखा हुआ है, तो MP3 होने से नहीं होगा, इसको आपको WAV करना पड़ेगा, क्योंकि वेव फॉर्मेट का जो साउंड्स है वो MSTS यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये जो वेव दिख रहा है आपको वेव, इसको सिलेक्ट कीजिए, ये डॉट वेव फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में मेरा मॉडिफाइड जो मैंने लिखा था माई रिकॉर्डेड साउंड मॉडिफाइड वाला वो यहाँ पे आ गया और ये वाला साउंड MSTS फॉर्मेट में है, इसको मैं अब MSTS में डालूंगा तो ये आराम से चल जाएगा। तो गाइस, ऐसे सिमिलरली आप अपने कोई भी ट्रैक साउंड्स पहले गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, उसके बाद अपने उस साउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज करके उसको वेव फॉर्मेट में सेव कीजिए। ये वेव फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप MP3 करोगे तो नहीं चलेगा वो। तो वेव फॉर्मेट में सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो साउंड देख रहे हैं ये जो मॉडिफाइड साउंड, इसको आपको अब ट्रेन सेट में डालना है। तो उसके लिए पहले आप ये जो आइकॉन, ये तो आइकॉन पता है आप सबको ये क्या है, ट्रेन सिमुलेटर का मेन आइकन है, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन की, ओपन फाइल लोकेशन करके ट्रेन्स में जाइए, उसके बाद ट्रेन सेट। अब यहाँ से जो कुछ सबको लग रहा है कि हाँ इसका साउंड मेरे को अभी चेंज करना है और अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है, तो उसका साउंड सब चेंज कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे फलकनामा एक्सप्रेस ये जो दिख रहा है ये मेरा साउंड, इसका मेरे को पसंद नहीं आ रहा है तो इसका मैं चेंज करूँगा, उसके लिए इसको ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये साउंड फोल्डर दिख रहा है आपको, तो इसी साउंड फोल्डर में इसको के जितने भी साउंड है
सारा साउंड इसी साउंड फोल्डर में है, तो आप इस साउंड को ओपन कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे ये जो साउंड दिख रहे हैं ये सब ट्रैक साउंड है, देखिए 10 to 20, 20 to 30, ये सब स्पीड है, मतलब 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक ये वाला ट्रैक साउंड प्ले होगा, उसके बाद 30 से 40 किलोमीटर तक ये वाला प्ले होगा, ऐसे करके पूरा लिस्ट है। उसके बाद नीचे ब्रेक्स है, ब्रेक्स के साउंड क्या होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो साउंड बनाया था, ये जो माई रिकॉर्डेड साउंड मॉडिफाइड, ये वाला तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये MP3 फॉर्मेट में है और हमको चाहिए वेव फॉर्मेट में, वेव फॉर्मेट में हमको चाहिए, और ये नीचे वाला है मॉडिफाइड वाला, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक किया उसके बाद यहाँ से कॉपी, और इसके ये जो साउंड वाला फोल्डर है इसके अंदर जाके राइट क्लिक करके पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, ये आ गया हमारा माई रिकॉर्डेड साउंड। और अभी क्या करना है, अभी आपको जो करना है वो मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला जो साउंड मैंने रिकॉर्ड किया था ये 110 के स्पीड में रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ से आप देखिए कि आपको 110 कहाँ दिख रहा है आपको, 80 to 90, ये रहा 90 to 100, और ये है 100 to 110, तो यहाँ पे 110 का है, यहाँ पे 110 का जो साउंड है वो प्ले होगा। तो आपको ये सेम फाइल नेम रखना है, ये जो माई रिकॉर्डेड साउंड है ना इसमें ये सेम फाइल नेम आपको रखना है, मतलब ये माई रिकॉर्डेड साउंड आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो गेम में प्ले नहीं होगा, ये गेम बस ये समझता है कि 100 to 110 जहाँ लिखा है मैं उसको प्ले करूँगा। तो आपको अभी करना क्या है, ये जो 100 to 110 वाला जो साउंड है उसको आप पहले क्लिक कीजिए, उसके बाद रीनेम कीजिए, राइट क्लिक करके रीनेम करके ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ये हो गया कॉपी, और इसके बाद आप इसको क्लिक कीजिए करके इसको डिलीट कर दीजिए, सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। और अभी क्या करना है, अभी जो आपके वो माई रिकॉर्डेड साउंड्स मॉडिफाइड वाले थे उस पे जाइए, जाके वहाँ पे फिर से इसको अब रीनेम कीजिए, राइट क्लिक करके रीनेम, अब यहाँ पे इसको पूरा मिटा दीजिए, बैक स्पेस दबा के इसको मिटा दीजिए, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया ऊपर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये आ गया, मतलब जो 100 to 110 वाला जो फाइल था हम लोग उसी फॉर्मेट में इसको रखेंगे तभी गेम इसको रीड कर पाएगा। तो ये अब हो गया, इसको इंटर मार दीजिए, तो ये हमारा साउंड फाइल अब तैयार हो गया। अब यही साउंड फाइल अब प्ले होगा गेम में, वो मैं आपको अभी खेल के दिखा रहा हूँ, मैं गेम को जो है खेल के अभी दिखा रहा हूँ आपको, बस आप ये याद रखिए कि इसका साउंड कैसा है, एक बार सुन लीजिए कैसा साउंड है। तो ऐसा साउंड है, अब मैं इसको गेम में इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने फलकनामा एक्सप्रेस पे किया, तो मेरे को फलकनामा एक्सप्रेस ही चला के देखना पड़ेगा गेम में कि साउंड्स आ रहे हैं कि नहीं, और 110 स्पीड तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई 110 स्पीड का जो मैंने साउंड न्यू डाला वो आ रहा है। तो ओपन रेल्स मैंने खोल लिया अभी, और रूट साउथ सेंट्रल रेलवे यही रहने देते हैं, और यहाँ से एक्सप्लोर रूट रखता हूँ, और यहाँ से ये देखिए कंसिस्ट फलकनामा एक्सप्रेस का ले लिया, और इसको अभी स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, तो हमारा जो है ये गेम स्टार्ट हो चुका है, और हमको जो लोगो मिला है वो है WDM3A ट्विंस मौला अली शेट का है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, पहले ब्रेक्स रिलीज करना है। ब्रेक्स रिलीज कर लिया, और अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, ट्रैक साउंड आपको वहीं से सुनाई देगा। और साइड में F4 ऑन करके रखता हूँ, ये जो F4 यहाँ पे आपको स्पीड दिखेगा, ये जो देखिए स्पीड बढ़ रहा है, 3.6, 3.7 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो जब तक 110 नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि साउंड्स वो प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो न्यू साउंड हमने बनाया। तो जल्दी से एक्सेलरेट करते हैं, देर हो रहा है। और सिमुलेशन स्पीड को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं तो ये बहुत टाइम ले रही।
अभी तो गाइस सिर्फ 20 के स्पीड में पहुंचे हैं हम लोग, 110 तक जाना है हम लोगों को। यार गाइस व्हील स्लिप हो रहा है, फिर से करना पड़ेगा एक्सेलरेट। अभी अच्छे से एक्सेलरेट होगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए तब तक, जब तक हम लोग 110 के स्पीड में पहुंच नहीं जाते। ओह यहाँ पे ट्रैक्स चेंज था, मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ 60 के स्पीड में ट्रैक्स चेंज कर रहा था मैं। आपने देखा है रियल लाइफ में कभी 60 के स्पीड में ट्रैक्स चेंज? फिर से शायद ट्रैक्स चेंज होने वाला है, वो देखिए 76 के स्पीड में ट्रैक्स चेंज। यार अंदर के पैसेंजर्स मुझे गाली दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है यार, कैसा चला रहा है। अभी कुछ ही देर में हम लोग 110 के स्पीड में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए साउंड मिल रहा है गाइस आपको, थोड़ा पॉज करता हूँ गेम को मैं। तो गाइस अभी मैं आपको वो ये वाला साउंड यहां से सुनाऊंगा, और ये साउंड और वो साउंड आप मैच करके देखिए, ये साउंड कुछ ऐसा है। तो ये साउंड कुछ ऐसा है, और अब मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ गेम में, बिल्कुल सेम सुनाई देगा आपको। है ना वो साउंड? ओके गाइस, तो वेरीफाई तो मैंने करवा दिया आपको कि कैसे साउंड्स जो है वो भी प्ले हो रहे थे। तो इसी तरह सेम प्रोसीड्यूर से अगर आपने किया, चुटकी में बन जाएगा साउंड्स आपके ट्रैक साउंड्स, और अपने खुद के जो है आप ट्रैक साउंड्स एंजॉय कर सकते हैं, आपको दूसरे के ट्रैक साउंड्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप में से जिन लोगों ने मेरे ट्रैक साउंड्स डाउनलोड किए हैं अभी इस डिस्क्रिप्शन के लिंक से, उसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइल वही है जो मैंने अपलोड किया था। तो इसका कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए भी सेम आपको पहले उसी में जाना है, वो ये ट्रेन सिम्युलेटर का जो आइकन है इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद ट्रेन्स में जाना है, उसके बाद ट्रेन सेट, और यहाँ पे आप ढूंढ लीजिए कि आपको किस कोचेस के साउंड न्यू साउंड डालने हैं। तो मैं वही फलकनामा एक्सप्रेस पे ही जाऊँगा, फलकनामा एक्सप्रेस नहीं, मैं कोई अब दूसरा कोई मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ कोचेस देख रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि एक्सप्रेस कोचेस, ये वाला जो है ये एक्सप्रेस कोचेस, मैं इसका साउंड डीजे चेंज करूँगा। ये वाला साउंड ये मैंने ऐसे ही बनाया, ये ऐसे दो साउंड के फोल्डर नहीं होते, बस ये पहले वाला ही होता है, ये जो साउंड लिखा हुआ है यही होता है फोल्डर, ये नीचे वाला नहीं होता, ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाया है। तो अब इसको नीचे ध्यान मत दीजिए, अब ये ऊपर वाला को ध्यान दीजिए। तो इस साउंड के फोल्डर को आप पहले ओपन कीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या साउंड है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा डिलीट कर दीजिए। करने के बाद ये जो साउंड फोल्डर जो कि आपने आज डाउनलोड किया है उसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ इस फोल्डर में ऐसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद इस साउंड फोल्डर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि SMS फाइल कौन सा है। SMS फाइल मतलब साउंड मैनेजमेंट सिस्टम, MSTS में वो फाइल है जो कि सारे साउंड्स को मैनेज करती है MSTS में। तो वो हर एक साउंड फोल्डर में होता है, MSTS की ये जो फोल्डर है इसमें हर एक जितना भी साउंड फोल्डर है वो हर एक फोल्डर में ये SMS फाइल होते हैं। तो यहाँ वो कुछ नोटपैड जैसे दिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है IR Coach EXT2, ये है इसका SMS फाइल। तो अब आपको क्या करना है, ये जो IR Coach EXT2 वाला है इसको फिर से रिनेम कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और रिनेम करके ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया, और अभी आपको क्या करना है, बैक में जाने के बाद बैक कीजिए, हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ से अभी बैक जा रहे हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे जितने भी WAG फाइल है, यहाँ पे तो बहुत सारे फाइल्स आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे जितने भी WAG फॉर्मेट के फाइल है, WAG मतलब WAG फाइल, WAG
यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए टाइप, देखिए ये रहा WAG फाइल, तो ऐसा आपको दिखेगा WAG फाइल। तो ऐसे बहुत सारे, ये WAG फाइल है, यहाँ पे नीचे ये WinRAR, ये फिर से दो दो WAG फाइल है, ऐसे बहुत सारे WAG फाइल्स हैं। तो जितने भी WAG फाइल्स हैं उसमें सब पे आपको एडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो WAG फाइल है इसको आप पहले ओपन कर लीजिए, और अगर आपका ये ओपन नहीं होता है तो आप इस पर सिंपली राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ करके यहाँ नोटपैड सिलेक्ट कीजिए, करके ओके कर दीजिए। करने के बाद ये आपका नोटपैड से ऐसे खुलेगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है, एकदम नीचे चलिए, एकदम नीचे चलो। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो लिखा हुआ है साउंड, ये साउंड लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ, यहाँ पे तो मेरा अभी साउंड के अंडर में, साउंड के अंडर का जो ब्रैकेट है, अंडर साउंड ये ब्रैकेट जो है, इसमें मेरा लिखा हुआ है IRCoach EXT2.SMS। मतलब ये साउंड के अंदर में मैंने जो देखा था ये IRCoach EXT2, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा होना चाहिए। सपोज़ कीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे ASWWAG.SMS। अगर कुछ ऐसा या कुछ भी यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज आप जस्ट नॉर्मली रिप्लेस कर दोगे। कैसे चेंज करोगे आप इसको, आपने यहाँ से जो ये IRCoach है इसका टेक्स्ट आपने कॉपी किया था, और ये नोटपैड में आपको क्या करना है वो बस सिंपली यहाँ से ASWWAG या फिर यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको बस बैकस्पेस कर दीजिए। ये साइड में जो SMS लिखा है इसको मत मिटाइएगा, ये जैसे उसको वैसे रहने दीजिए। ये डॉट के पहले तक यहाँ से आप कंट्रोल वी करके या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया। तो ये हो गया आपका पेस्ट, और इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए, या फिर फाइल में जाके जैसे सेव करते हैं सेव कर दीजिए, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। सिमिलरली आपको ईच एंड एवरी जितना भी यहाँ पे WAG फाइल आपको दिख रहा है, सारे WAG फाइल पे जाके आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि सब में वो IRCoach ये वाला लिखा तो हुआ है। जैसे कि मैंने अभी एक WAG फाइल खोला है, अभी नीचे मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी साउंड के जगह IRCoach EXT2.SMS यही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कुछ और लिखा रहता तो उसको आपको रिप्लेस कर देना है IRCoach EXT2 से। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको मे भी आपका साउंड्स नहीं प्ले होगा गेम में, दूसरे साउंड्स प्ले होंगे, मेरे वाले साउंड्स प्ले नहीं होंगे। तो ये सिर्फ मेरे वाले साउंड्स के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी साउंड पैक डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर ज़रूर देखें कि एक ये ऐसा SMS फाइल होगा, ज़रूर से होगा। तो उसका टेक्स्ट आप हमेशा कॉपी करके और उस कोचेस में जितने भी WAG फाइल्स हैं सबको एक बार चेक कर लीजिए कि सबके अंदर साउंड के अंडर में वो WAG फाइल का नेम लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, करके सेव करना मत भूलिएगा। और सेव करने से बस हो गया आपका साउंड तैयार, और इसके बाद गेम में आप ये वाला कोच को कंसिस्ट में ऐड कर ये वाला ट्रेन को चलाओगे तो आपको साउंड मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो गाइस आज हमने ये सीखा कि कैसे अपने खुद के MSTS के ट्रैक साउंड्स बनाएंगे और उसको MSTS में डाल के खुद इन्जॉय करेंगे, और ये भी सीखा कि कैसे न्यू साउंड पैक्स को इंस्टॉल करेंगे कोई भी कोचेस के अंदर। और अगर आपको हॉर्न बनाना सीखना है तो वो मैं कोई और वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और गाइस तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक ठोकना, और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोज यहाँ पर मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।